ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्रीनिंग टेस्ट इन सीरीज एंड पैरेलल। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा स्क्रीनिंग फॉर डिजीज वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट इन सीरीज एंड पैरेलल। अब इससे पहले स्क्रीनिंग वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हुए हैं। जैसे हमने स्क्रीनिंग पढ़ा था, उसके टाइप्स, यूजेस और एग्जांपल्स पढ़े थे। टाइप्स में हमने मास स्क्रीनिंग, मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग, हाई रिस्क स्क्रीनिंग पढ़ा था। यूजेस पे हमने प्रिस्क्रिप्टिव और प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग पढ़ा था। फिर हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट के बीच में डिफरेंस देखा था। लीड टाइम पढ़ा था हमने। एक डिजीज को जो स्क्रीन करना है उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए वो पढ़ा था। उसके बाद हमने स्क्रीनिंग टेस्ट की वैलिडिटी पढ़ी थी, प्रिसीजन और एक्यूरेसी देखा था। उसके बाद हमने 2x2 टेबल बनाना सीखा था स्क्रीनिंग में, स्क्रीनिंग वाले चैप्टर में। उसके बाद हमने सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इनके फॉर्मूलेस देखे थे और फिर इनका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखा था। ठीक, उसके बाद हमने सेंसिटिविटी पढ़ा था, स्पेसिफिसिटी पढ़ा था, फिर हमने प्रेडिक्टिविटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट के तहत पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पढ़ा था और फिर हमने आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट देखा। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, उस प्लेलिस्ट में स्क्रीनिंग फॉर डिजीज वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट इन सीरीज एंड पैरेलल। अब स्क्रीनिंग टेस्ट तो हम पढ़ चुके हैं कि भाई स्क्रीनिंग टेस्ट लगाना, कि भाई अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स में रैपिड टेस्ट लगाते हैं, कि अनरिकॉग्नाइज बीमारी को ढूंढना है। पर सीरीज टेस्ट से स्क्रीनिंग टेस्ट सीरीज में लगाना और पैरेलली लगाना, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा तो हमको समझ में आ रहा है कि यह स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि एक से ज्यादा टेस्ट लगा रहे हैं हम। अब सीरीज में लगा रहे हैं कि पैरेलली लगा रहे हैं वो देख लेते हैं और उनका मतलब देख लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट इन सीरीज और पैरेलल में हम दो तरह से स्क्रीन टेस्ट को लगा सकते हैं। पहला सीरीज में, दैट इज पहला स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया, फिर दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया, फिर चाहो तो तीसरा लगा दो। जबकि जो पैरेलल में होता है ना, इसमें पहला स्क्रीनिंग टेस्ट दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट दोनों साथ में लगाते हैं। इन जनरल थोड़ा सा समझ लो। ठीक, अब थोड़ा सा एक एक को देखते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट लगा रहे हैं तो इनकी जो सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी है ना, वो कॉम्बिनेशन में निकालते हैं, समझ लेते हैं। देखो, पहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट इन सीरीज। अब स्क्रीनिंग टेस्ट इन सीरीज का मतलब होता है कि हम यहाँ पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया और उसके बाद दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया, यानी कि हमने स्क्रीनिंग टेस्ट वन लगाया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने स्क्रीनिंग टेस्ट टू लगाया, और उसके बाद जब हमको सेंसिटिविटी निकालनी होगी तो हम कंबाइंड सेंसिटिविटी निकालते हैं कि, समझ गए, या स्पेसिफिसिटी निकालनी होगी हमको तो हम कंबाइंड स्पेसिफिसिटी निकालते हैं कि स्क्रीन टेस्ट वन और स्क्रीन टेस्ट टू का मिला के, दैट इज सीरीज में स्क्रीनिंग टेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि हम सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट कब लगाते हैं या किन में लगाते हैं, सिर्फ उन लोगों में लगाते हैं जिन्होंने पहला स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव दिया हो। इसका मतलब समझते हैं। मान लो कि हमने 100 लोगों में स्क्रीनिंग टेस्ट ए लगाया, ठीक है, अब इसमें से 30 लोगों ने पॉजिटिव दिया और 70 लोगों ने नेगेटिव दिया। तो ये नेगेटिव वालों को तो हम भूल जाएंगे, ये जो पॉजिटिव दिया है अब इनमें हम स्क्रीनिंग टेस्ट बी लगाएंगे, समझे? तो समझ में आया यहाँ जो लिखा है कि सेकेंड स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि हमारा स्क्रीन टेस्ट बी था, वो उन्हीं में लगाना है जिनने फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, दैट इज जो हमारा स्क्रीन टेस्ट ए था, उसमें पॉजिटिव आए हो। तो हमने 100 में ए लगाया था, उनमें से 30 लोग जो पॉजिटिव आए उनमें स्क्रीनिंग टेस्ट भी लगाया, दैट इज सीरीज में स्क्रीनिंग टेस्ट लगाना। और जब हमको सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी निकालनी होगी तो हम इसमें ना कंबाइंड सेंसिटिविटी निकालते हैं, यानी कि ए और बी दोनों की कंबाइन करके निकालते हैं। ऐसे स्पेसिफिसिटी निकालना है तब भी हम
कंबाइंड स्पेसिफिसिटी निकालते हैं ए और बी दोनों कंबाइंड करके, बस इनके फॉर्मूलेज याद रहे, ठीक है। तो सीरीज में सेंसिटिविटी, सीरीज में स्क्रीनिंग टेस्ट लगाते बन गया कि पहला लगाओगे, फिर पहले में जो जो पॉजिटिव आए उनमें दूसरा लगाओगे। अब इनकी कंबाइंड सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको कंबाइंड सेंसिटिविटी निकालनी है तो सेंसिटिविटी ए इंटू सेंसिटिविटी बी, दैट इज कंबाइंड सेंसिटिविटी निकल आएगी। मगर अगर कंबाइंड स्पेसिफिसिटी निकालनी है ना, तो आप स्पेसिफिसिटी ए प्लस स्पेसिफिसिटी बी निकालते हो और उसमें से माइनस कर देते हो स्पेसिफिसिटी ए इंटू स्पेसिफिसिटी बी को, समझ गए। तो यहाँ पे आपका कंबाइंड सेंसिटिविटी में आपका मल्टीप्लाई वाला साइन है और कंबाइंड स्पेसिफिसिटी में आएगा सब्सट्रैक्शन वाला साइन, और ये किसमें? जब आप सीरीज में लगाते हो स्क्रीनिंग टेस्ट को, ठीक। तो याद रखना कि कंबाइंड सेंसिटिविटी अगर सीरीज में आप लगाते हो स्क्रीनिंग टेस्ट को तो सेंसिटिविटी ऑफ ए इंटू सेंसिटिविटी ऑफ बी, जबकि अगर आप सीरीज में लगाते हो स्क्रीनिंग टेस्ट को तो कंबाइंड स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पेसिफिसिटी ऑफ ए प्लस स्पेसिफिसिटी ऑफ बी, उसको माइनस करोगे स्पेसिफिसिटी ऑफ ए इंटू स्पेसिफिसिटी ऑफ बी से, ठीक। तो ये हो गया आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का फॉर्मूला अगर आप सीरीज में लगाओगे, ठीक। जबकि अगर आप पैरेलल में लगाओगे ना, पहले तो समझ लेते हैं कि पैरेलली लगाना का मतलब क्या होता है। पैरेलली लगाने का मतलब होता है दो या उससे ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट एक ही समय पे लगाए जाए। जैसे कि हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट ए है और स्क्रीनिंग टेस्ट बी है, तो ये हमने एक इंसान पे जो हमको लगाना है, तो हमने स्क्रीनिंग टेस्ट ए और स्क्रीनिंग टेस्ट बी दोनों साथ में लगाए, दैट इज पैरेलली लगाना, ठीक है। वहां पे क्या किया था हमने, स्क्रीनिंग टेस्ट ए लगाया था इंसान में, उसके बाद फिर जो जो पॉजिटिव आए थे उनमें स्क्रीनिंग टेस्ट बी लगाया था। तो ये होता है सीरीज में लगाना और ये होता है पैरेलली लगाना। तो पैरेलली लगाना मतलब सेम समय में एक या दो या उससे ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट जब लगाएंगे तब कहेंगे कि भाई पैरेलली हम स्क्रीनिंग टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का? इसका फॉर्मूला होता है कि कंबाइंड सेंसिटिविटी अगर हमको निकालनी है या कंबाइंड स्पेसिफिसिटी निकालनी है तो इसमें उल्टा हो गया। देखो जो वहां पे सेंसिटिविटी में मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ स्पेसिफिसिटी में कर रहे हैं। देखो कि कंबाइंड स्पेसिफिसिटी में एक्चुअली हम स्पेसिफिसिटी ए इंटू स्पेसिफिसिटी बी कर रहे हैं। यहाँ पे याद है, यहाँ पे जब सीरीज में लगाया था तो कंबाइंड सेंसिटिविटी में सेंसिटिविटी ए इंटू सेंसिटिविटी बी किया था, जबकि पैरेलल जब लगा रहे हैं तो स्पेसिफिसिटी में हम स्पेसिफिसिटी ए को स्पेसिफिसिटी बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। जबकि यहाँ पे जब हमने पैरेलली लगाया तो कंबाइंड सेंसिटिविटी में हम एक्चुअली सेंसिटिविटी ए प्लस सेंसिटिविटी को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सेंसिटिविटी से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं सेंसिटिविटी ए इंटू सेंसिटिविटी बी को। अब ये सब्सट्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला था ये किसमें था? उसमें जब हमने सीरीज में लगाया था, तो देखो ये सब्सट्रैक्शन वाला फॉर्मूला हम स्पेसिफिसिटी में लगा रहे थे, जबकि ये सब्सट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम सेंसिटिविटी में लगाए हैं। तो यहाँ पे जब हम पैरेलली लगाते हैं स्क्रीन टेस्ट को तो फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। मल्टीप्लाई हम कंबाइंड स्पेसिफिसिटी में करते हैं, जबकि सब्सट्रैक्ट हम कंबाइंड सेंसिटिविटी में करते हैं जब हम पैरेलली लगाते हैं। समझ में आ गया? इसको याद कैसे करेंगे अभी मैं सिखाऊंगा, पर अभी सिर्फ इतना समझ लो। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि सीरीज में लगाना और पैरेलली लगाना, तो सीरीज में अगर आप सेंसिटिविटी टेस्ट लगाना है तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक कुछ इंसान आपके पास हैं, तो इनको आपको सीरीज में अगर स्क्रीनिंग टेस्ट लगाना है तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने लिया फॉर एग्जाम्पल कोविड की बात करें हम, कोविड में आप क्या करते थे? कोविड में हम टेम्परेचर देखते थे, वो अच्छा टेम्परेचर करना होती थी। अब टेम्परेचर देखा, जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आया और किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं आया, तो बढ़ा हुआ नहीं आया तो ठीक है, जिसका बढ़ा हुआ आया फिर उन लोगों में हमने क्या किया, उन लोगों में हमने रैपिड एंटीजन लगाया।
तो हमने यहाँ किया क्या कि हमारे पास कुछ लोग थे, उनमें हमने पहला स्क्रीनिंग टेस्ट ए लगाया, दैट इज हमने उनका टेम्परेचर नापा। अब जिन लोगों का टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं था उनको जाने दिया, जिनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था उनमें हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट लगाया यानी स्क्रीनिंग टेस्ट बी लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हमने एक स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया, उसके बाद जो जो पॉजिटिव आए उसमें दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया, यानी कि ये कौन सा हो गया, सीरीज में स्क्रीनिंग टेस्ट लगाना, समझ गए। वैसे ही अगर आप बात करो पैरेलल में अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट लगाना चाहते हो तो इसको कोविड की भी बात करें अगर, तो कैसे समझोगे। हमने क्या किया, ये जो हमारे पास लोग हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास लोग हैं इनमें हमने ना एक नहीं एक साथ दो दो स्क्रीनिंग टेस्ट लगाए, यानी कि हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर गन ली और टेम्परेचर देखा, और साथ में हमने क्या किया, पल्स ऑक्सीमीटर था वो भी देखने लगे हम इन लोगों में। तो हमने ये देखा कि हमने टेम्परेचर भी नाप लेते हैं और पल्स ऑक्सीमीटर भी देख लेते हैं दोनों का, तो मतलब हम एक्चुअली ऑक्सीजन सेचुरेशन भी देख रहे हैं और टेम्परेचर भी देख रहे हैं, दोनों साथ में देख रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, स्क्रीनिंग टेस्ट ए और स्क्रीनिंग टेस्ट बी, यानी कि ये पहला स्क्रीनिंग टेस्ट, ये दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट, और दोनों साथ में लगा के देख रहे हैं एक ही समय में, तो ये हो गया हमारा पैरेलल में स्क्रीनिंग टेस्ट। तो समझ गए, एग्जाम्पल के तौर पे आप सीरीज में स्क्रीन टेस्ट लगाना और पैरेलली स्क्रीन टेस्ट लगाना, इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक। तो हमने ये देख लिया कि भैया सीरीज में स्क्रीन टेस्ट कैसे लगाते हैं, पैरेलल में स्क्रीन टेस्ट कैसे लगाते हैं, स्क्रीन टेस्ट लगाने के कंबाइंड सेंसिटिविटी और कंबाइंड स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या है, और पैरेलल में स्क्रीन टेस्ट लगाने के कंबाइंड सेंसिटिविटी और कंबाइंड स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या है। अब इन फॉर्मूलेस को याद कैसे करेंगे और कब मल्टीप्लाई करना है कब सब्स्ट्रैक्ट करना है ये कैसे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले हैं, एक जिसमें हम ए इंटू बी कर रहे हैं और दूसरा फॉर्मूला जिसमें हम ए प्लस बी ब्रैकेट में है जिसमें से माइनस कर रहे हैं ए इंटू बी को जो कि ब्रैकेट में है। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, इतना हमको पहले याद रखना है कि एक फॉर्मूला है ए इंटू बी वाला, दैट इज एक फॉर्मूला है जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक फॉर्मूला है जिसमें हम सब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसमें मल्टीप्लाई करना है, तो एक चीज याद रख लेना कि किसमें हमको मल्टीप्लाई करना है तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। देखो अब कैसे याद रखना है, हम ना जो कंबाइंड सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी निकाल रहे हैं उसमें किसमें हमको मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला याद रखना है, बस ये अगर हमने याद कर लिया तो दूसरे में सब्स्ट्रैक्ट वाला तो अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो हमको कैसे याद रखना है, हमको याद रखना है जो एक जैसे हैं जो साथ में हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, साथ में या एक जैसे वाले कैसे। देखो ये है आपका सीरीज, तो सीरीज में देखो कितना बड़ा एस और ई आ रहा है, वैसे ही है आपका सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी में देखो कितना बड़ा एस और ई आ रहा है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, है ना, दोनों में एस ई आ रहा है। ऐसे ही जो पैरेलल है पैरेलल में देखो कितना बड़ा पी आ रहा है, ऐसे ही स्पेसिफिसिटी है इसमें भी देखो कितना बड़ा पी आ रहा है, तो ये जो पी और पी वाले हो गए ये साथ में है। तो साथ में जो है उनमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साथ में हमको मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना है, साथ में हमको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला कौन सा था, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला था ए इंटू बी वाला, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला था ए इंटू बी वाला। तो अब बहुत इजी हो जाएगा, देखो तो अब हमारा हमारी चीज है कि भाई अगर हम सीरीज में स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया है तो सेंसिटिविटी क्या होगी, तो हमको पता है कि यार सीरीज में ऐसी है सेंसिटिविटी में ऐसी है, तो हमने देखा था साथ में मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला दैट इज ए इंटू बी वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे कंबाइंड सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी ए इंटू सेंसिटिविटी बी। तो जब सीरीज में स्क्रीनिंग टेस्ट लगाते हैं तो कंबाइंड सेंसिटिविटी होती है सेंसिटिविटी ए इंटू सेंसिटिविटी बी। ऐसे ही अगर हमने
में स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया है, पी फॉर पैरेलल, तो स्पेसिफिसिटी क्या होगी? स्पेसिफिसिटी में भी पी आता है, पी फॉर पैरेलल, तो ये दोनों भी साथ में है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला आएगा, यानी कि जो स्पेसिफिसिटी है पैरेलली स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया उसकी, तो साथ में मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, दैट इज कंबाइंड स्पेसिफिसिटी जो होगी, ये होगी पैरेलल वाले स्क्रीनिंग टेस्ट में स्पेसिफिसिटी ए इंटू स्पेसिफिसिटी बी। सिंपल, तो ऐसे याद कर सकते हो कि भैया अगर साथ में है, जैसे कि सीरीज में सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? सेंसिटिविटी ए इंटू सेंसिटिविटी बी। ऐसे ही पैरेलल में स्पेसिफिसिटी वाला फॉर्मूला क्या होगा? स्पेसिफिसिटी ए इंटू स्पेसिफिसिटी बी। अब दूसरा फॉर्मूला तो तुमको अपने आप याद आ जाएगा कि अगर मैं बोलता हूं कि सेंसिटिविटी निकालनी है आपको पैरेलल स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पी आ रहा है, यहाँ पे तो एस ई आ रहा है, यानी कि क्या ये साथ में है? नहीं। तो जब यहाँ साथ में नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। माइनस वाला फॉर्मूला यानी कि कौन सा था? दैट इज ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी। तो सेंसिटिविटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा पैरेलल में? सेंसिटिविटी ऑफ ए प्लस सेंसिटिविटी ऑफ बी ब्रैकेट में, और इसको माइनस कर दोगे सेंसिटिविटी ऑफ बे ए इंटू सेंसिटिविटी ऑफ बी से। सिंपल, तो अगर साथ में नहीं है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ऐसे ही अगर हम स्पेसिफिसिटी निकालनी है सीरीज में, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया है सीरीज में है तो एस ई है, स्पेसिफिसिटी निकालनी है तो पी है, यहाँ पे साथ में तो है नहीं, साथ में नहीं है यानी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा? ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी माइनस, ये ब्रैकेट में ए इंटू बी, है ना? तो हम क्या निकाल रहे हैं? स्पेसिफिसिटी सीरीज में, तो स्पेसिफिसिटी ऑफ ए प्लस स्पेसिफिसिटी ऑफ बी माइनस स्पेसिफिसिटी ऑफ ए इंटू स्पेसिफिसिटी ऑफ बी। समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो कि भैया सीरीज में और पैरेलल में कंबाइंड सेंसिटिविटी और कंबाइंड स्पेसिफिसिटी के फॉर्मूले कौन से लगाओगे और कैसे। समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, अब ना एक और चीज जो याद करने वाली होती है ना, वो ये कि भैया जब आप सीरीज में टेस्ट लगाते हो या पैरेलल में टेस्ट लगाते हो तो कंबाइंड सेंसिटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है कि बढ़ जाती है? देखो, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट वन लगाया, ठीक है, अब आपने स्क्रीनिंग टेस्ट टू लगाया, ठीक है, अब इनकी अच्छी होगी सेंसिटिविटी, इसकी भी सेंसिटिविटी अच्छी होगी, लेकिन अगर आपने दोनों को मिला के सीरीज में लगाया तो एक्चुअली जो कंबाइंड सेंसिटिविटी होगी ना वो कम हो जाएगी। अलग अलग तो अच्छी है लेकिन कॉम्बिनेशन में सेंसिटिविटी कम हो जाएगी सीरीज में। ऐसे ही जब आप स्पेसिफिसिटी की बात करोगे तो स्पेसिफिसिटी एक्चुअली सीरीज टेस्ट में बढ़ जाती है, स्पेसिफिसिटी जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है सीरीज में जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट लगाते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू तो जब हम सीरीज में लगाते हैं वो बढ़ जाती है, कंबाइंड पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, लेकिन कंबाइंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। समझे? वैसे अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में कंबाइंड सेंसिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जबकि कंबाइंड स्पेसिफिसिटी जो होती है पैरेलल स्क्रीनिंग टेस्ट में कम हो जाती है। ऐसी कंबाइंड पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, जैसे कि सॉरी, ये कंबाइंड स्पेसिफिसिटी कम हुई वैसे ही कंबाइंड पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू भी कम हो जाती है, मगर कंबाइंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। समझे? तो ये जो है ना, इन पे भी आपको एमसीक्यू आते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन में हमने स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया तब सेंसिटिविटी, कंबाइंड सेंसिटिविटी या कंबाइंड स्पेसिफिसिटी का क्या होगा, या कॉम्बिनेशन में हमने स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया पैरेलली तो कंबाइंड पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू या कंबाइंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का क्या होगा, तो ये पता होना चाहिए कि कब बढ़ती है और कब कम होती है। तो अब
इसको कैसे याद करेंगे कि कॉम्बिनेशन में जब हम लगाते हैं तब स्क्रीनिंग टेस्ट कब सेंसिटिविटी कब बढ़ती है और कब कम होती है, और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू किस में बढ़ती है और किस में कम होती है। इसको याद करने का भी तरीका पिछले वाले जैसा है। दैट इज देखो, इसमें भी वही है कि साथ में जब होंगी ना चीजें तो वो डिक्रीज होंगी। सिंपल, साथ में जब सेम चीजें होंगी तो वो डिक्रीज होंगी। पहले तो याद कर लो, जैसे वहां पे क्या याद किया था हमने, साथ में होंगी तो मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे याद कर लो साथ में होंगी तो डिक्रीज होंगी। ठीक, तो याद कैसे करेंगे कि साथ में होंगी तो कम होंगी। अब साथ में के लिए देखो सेंसिटिविटी में कितना बड़ा ई आ रहा है, ऐसे ही नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में भी कितना बड़ा ई आ रहा है। तो ई किस में आता है, सीरीज में देखो कितना बड़ा ई आता है, तो सीरीज में ई आता है, ऐसे ही सेंसिटिविटी और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में ई आता है, तो ये दोनों साथ में हो गए। ऐसे ही स्पेसिफिसिटी में देखो कितना बड़ा पी आता है, ऐसी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का कितना बड़ा पी होता है, तो ये पी आपको किस में मिलेगा, पैरेलल में आपको पी मिलेगा, तो ये भी साथ में हो गए, है ना। तो पैरेलल में पी होता है, ऐसे स्पेसिफिसिटी और पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू में पी होता है, ऐसे ही सीरीज में ई होता है और सेंसिटिविटी और नेगेटिव में ई होता है। तो अब ये साथ वाले हमने देख लिए, साथ वाले में हमने क्या समझ लिया, साथ में डिक्रीज होंगे, तो साथ में सेंसिटिविटी में ई है, सीरीज में ई है, तो मतलब सीरीज में कंबाइंड सेंसिटिविटी कम होती है, साथ में डिक्रीज होंगे। ऐसे ही नेगेटिव में ई है, दैट इज नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में ई है, और सीरीज में ई है, दोनों साथ में हो गए, तो सीरीज में नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ये याद किया था हमने कि साथ में डिक्रीज होंगे। ऐसे ही स्पेसिफिसिटी में पी है और पैरेलल में पी है, तो साथ वाले क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो पैरेलल में स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होगी। ऐसे ही पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में पी है और पैरेलल में पी है, तो पैरेलल में पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी डिक्रीज होगी, तो साथ में डिक्रीज होंगे, साथ में डिक्रीज होंगे। तो इसका ऑपोजिट अगर साथ में नहीं है तो इंक्रीज होंगे। यानी कि देखो, अगर पैरेलल में हम सेंसिटिव, पैरेलल में अगर हम सेंसिटिविटी देखें तो सेंसिटिविटी का ई आया, पैरेलल का पी आया, साथ में नहीं है तो इंक्रीज कर दो। ऐसे ही नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का ई आया, पैरेलल का पी आया, तो साथ में तो नहीं है तो उसमें भी इंक्रीज कर दो, यानी कि पैरेलल में सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ऐसे ही स्पेसिफिसिटी से पी आया, सीरीज से ई आया, तो यहाँ पे साथ में तो नहीं है, साथ में नहीं है तो इंक्रीज होंगे। ऐसे ही पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से पी आया और सीरीज से ई आया, तो यहाँ भी साथ में नहीं है तो यहाँ भी इंक्रीज होंगे, यानी कि सीरीज में स्पेसिफिसिटी भी इंक्रीज होगी और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ऐसे याद कर सकते हो कि साथ में होंगे तो डिक्रीज होंगे, दैट इज जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं तो जो जो साथ में है उनमें डिक्रीज होगा। साथ में है जैसे कि सेंसिटिविटी का ई आया, सीरीज का ई आया, तो साथ में है तो डिक्रीज होंगे, यानी सीरीज में स्क्रीन टेस्ट लगाओगे तो सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी। ऐसे ही नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के नेगेटिव का ई आया, ऐसे ही सीरीज का भी ई आया, तो साथ में है तो डिक्रीज होंगे, यानी कि सीरीज में नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ गए। ऐसे ही दूसरी चीज देखें, दैट इज पैरेलल का पी आया, स्पेसिफिसिटी का पी आया, तो यानी कि साथ में है तो डिक्रीज होंगे, ये पी पी हो गया, तो साथ में है तो डिक्रीज होंगे, यानी कि पैरेलल में स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होगी। ऐसे ही पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का पी आया और पैरेलल का पी आया, साथ में है तो डिक्रीज होंगे, यानी कि पैरेलल में पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू डिक्रीज होगी। सिंपल, तो डिक्रीज वाला याद हो गया आपको, तो उसका उल्टा तो इंक्रीज वाला अपने आप याद हो जाएगा कि साथ में नहीं होंगे तो इंक्रीज होंगे, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको
स्क्रीनिंग टेस्ट जब आप सीरीज में लगाते हो और पैरेलली लगाते हो तो क्या क्या होता है उसमें पता होना चाहिए। ठीक, अब यार थ्योरी में तो ना ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता, मुख्यतः ये जो सवाल होता है ये एमसीक्यूज के लिए होता है और वाइवा के लिए होता है। फिर भी अगर थ्योरी में पूछा भी जाएगा तो आपको शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, पर आता नहीं है ये उतना सवाल थ्योरी। ठीक, एमसीक्यूज और वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अगर हम बात करें वाइवा की तो वाइवा में आपसे पूछा जाता है भैया कि स्क्रीनिंग टेस्ट को सीरीज में लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है, तो ये समझाते आना चाहिए। और वाइवा में आपसे पूछा जाता है स्क्रीन टेस्ट को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, तो ये आपको समझाते आना चाहिए विद एग्जांपल जो हमने कोविड वाले से समझा था। ठीक, उसके बाद आपसे वाइवा में ये जरूर पूछा जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट और पैरेलल में लगाओ अगर स्क्रीन टेस्ट को, और स्क्रीन टेस्ट को सीरीज में लगाओ तो कौन कौन सी चीजें कम होती हैं और कौन कौन सी चीजें ज्यादा होती हैं, ये भी आपको बताते आना चाहिए वाइवा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की तो भाई साहब इसमें बहुत एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है ना हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो देखो इसमें ना एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल बनते हैं, और न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं आपको समझते आना चाहिए कि वो बताते हैं कि भैया हमने एक स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया, उसके बाद हमने जो जो पॉजिटिव आए उनमें दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया, अब इनकी कंबाइंड सेंसिटिविटी निकालो, कंबाइंड स्पेसिफिसिटी निकालो, तो ये आपको निकालते आना चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया स्क्रीन टेस्ट सीरीज में लगाया है, अब हमको कौन कौन से फॉर्मूले होंगे वो लगा के हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये आना चाहिए आपको। एमसीक्यूज में आपको फिर वही है कि आपको बोल दिया जाएगा कि भैया हमने एक इंसान में एक साथ दो स्क्रीनिंग टेस्ट लगा दिए, एक साथ लगा दिए। ठीक है, तो अब इन स्क्रीनिंग टेस्ट की सेंसिटिविटी निकालो और स्पेसिफिसिटी निकालो, कंबाइंड सेंसिटिविटी और कंबाइंड स्पेसिफिसिटी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये पैरेलल में लगाए गए हैं तो पैरेलल में कंबाइंड सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंबाइंड स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको लगा के आप निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आपको ना एमसीक्यू इन पे बहुत बार आता है कि भैया हमने सीरीज में स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया तो कंबाइंड सेंसिटिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी, ऐसे ही हमने सीरीज में स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया तो कंबाइंड स्पेसिफिसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, ऐसे ही हमने पैरेलल में स्क्रीनिंग दो स्क्रीनिंग टेस्ट लगाए तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी, तो इन सब पे एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाला टॉपिक ना एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी भी कभी कभार इन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो बस इतना समझ में आ जाए ना कि सीरीज में लगाए कि पैरेलल में, तो आप वो फॉर्मूला लगा के उसको निकाल सकते हो। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट इन सीरीज एंड स्क्रीनिंग टेस्ट इन पैरेलल में पता होनी चाहिए। थैंक यू।